92.7 Big FM पर आप सुन रहे हैं बिग टॉकीज मशहूर फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सुमाया के साथ। नमस्कार, मैं हूँ भावना सुमाया 92.7 बिग FM पर और आप सुन रहे हो हमारा नया शो बिग टॉकीज। हमारे स्टूडियो में आज है डायरेक्टर सुजीत सरकार और उनके दो एक्टर्स दीपिका पाडुकोन और इरफान खान। हम मना रहे हैं पीकू के 100 करोड़ सेलिब्रेशन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने आपकी फिल्म देखी और मुझे बहुत 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 पसंद आई। 4 दिन पहले मेरी बहन ने कहा था कि जैसे पुरानी फिल्में बनती थी ना, ऐसी फिल्में क्या कभी नहीं आएंगी। तो सबसे पहले तो सुजीत, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो सब्जेक्ट है वो आमतौर पे इसके बारे में बात नहीं होती है ड्राइंग रूम में, तो आपने इस पर एक पूरी फिल्म बनाने को कैसे सोचा? अब कैसे सोचा या आई थिंक थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस तो विकी डोनर से आया। अगर कोई सब्जेक्ट हो जिसमें थोड़ी सीरियस बात हो, उसको अगर थोड़ा मज़ेदार तरीके से किया जाए तो शायद लोगों के पास ज़्यादा जल्दी पहुँचता है। एंड आई हैड वन ब्रिलियंट राइटर जूही चतुर्वेदी। जिस तरह से उन्होंने स्क्रिप्ट को कंसीव किया, जिस तरह से उन्होंने कैरेक्टर को स्केच किया, जिस तरह से लिखा, विच वाज सो सिंपल एंड सो जेन्युइन। मैंने अपने रिव्यू में ये कहा है कि ये फिल्म मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये फिल्म बहुत रसीली है, निराली है और सच्ची है। रस तो जरूर है, डेफिनेटली, ये तो मान लूंगा। मगर आप देखो कि फिल्म में एक्चुअली कोई प्लॉट नहीं है। Exactly. नहीं कुछ। इवन दो इसमें यू नो रिलेशनशिप की कहानी है, लाइफ की कहानी है, ये सब चीज़ों को मिलाकर हाउ डू यू सेल इट एज एन एंटरटेनिंग फिल्म, वो बहुत ही मुश्किल हो गया हमारे लिए। पीकू दीपिका से कितनी मिलती जुलती है? क्या दोनों एक तरह है या बिल्कुल अलग? दीपिका का पीकू का सफर कैसा रहा? दीपिका, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि बहुत आसान है ये कहना कि बहुत हाइपर कैरेक्टर है ये, मगर उस लड़की के साथ जो हो रहा है, उसकी जिंदगी में जो हो रहा है, वो उनके लिए स्वाभाविक है जी। तो आप तो बहुत छोटी हो ना, आप ऐसे किसी किरदार को कभी मिली होंगी। यू हैव इंटरनलाइज्ड द कैरेक्टर, हर एक्सप्रेशन, हर जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ एक जर्नी है, ये कैसे किया आपने? वाओ, आई डोंट नो, आई थिंक यू नो व्हेन सुजीत गेव मी द नरेशन, आई अंडरस्टूड कि इसमें कुछ है, नॉट जस्ट पीकू की जो कैरेक्टर है, नॉट जस्ट उसमें बट इन द एंटायर फिल्म। इसमें कोई खास कहानी नहीं है वैसे, बिल्कुल, यू नो इट्स सिंपल फ्रेजाइल मोमेंट्स बिटवीन पीपल। सो आई थिंक वॉट रियली हेल्प्ड मी एटलीस्ट वॉज ए, आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटिफुली रिटन, यू नो अ लॉट ऑफ द एक्टर्स मटीरियल इज इन द स्क्रिप्ट इटसेल्फ, बट अब उसको एनहेंस कैसे करें। तो हम बहुत सारे रीडिंग्स करते थे, हम डिस्कस करते थे, या मैं छुट्टी पे जा रही थी, आई हैड अ फ्लाइट एट 3 o'clock और समथिंग, रात को 9-10 बजे ही केम होम फॉर 1-2 hours, वी जस्ट रेड, ही सेड नाउ यू आर गोइंग अवे फॉर अ मंथ, आई वॉन्ट अस टू जस्ट रीड सो दैट वेन यू आर अवे इट जस्ट स्टेज विथ यू, एंड वी डिड दैट, कॉस्ट्यूम ट्रायल किया हमने, एंड आई थिंक दैट गेव मी टाइम, यू नो आई सडनली गॉट इन टू द फिल्म, वी वर रीडिंग, absorbing, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सेट पे भी हम बहुत सारे रिहर्सल्स करते थे। जो टेक्निक हमने यूज किया है फिल्म में बहुत ही अलग है, उसको समझना काफी मुश्किल था और काफी वक्त लगा मुझे क्योंकि इट्स क्वाइट थिएटर बेस्ड, सीन्स लंबे हैं। मेरा जो फर्स्ट सीन है, जो मैं बेडरूम से निकलती हूँ, किचन में जाती हूँ, कपड़े लोड कर रही हूँ, बाबा को दवाई दे रही हूँ, ऑलमोस्ट लाइक वन सिंगल शॉट। सो अमित जी एंड मी हैड एस्टैब्लिश्ड दिस आई कॉन्टैक्ट कि इफ़ वी वर नॉट रेडी एज एक्टर्स, इफ वी डिडंट लाइक फील कॉन्फिडेंट, हम सुजीत को जाके बोलते थे कि सर वी आर नॉट रेडी एंड वी वॉन्ट टू डू, सो वी वुड डू 10-15-20 रिहर्सल, वी जस्ट कीप रिहर्सिंग, रेस्ट ऑफ इट आई थिंक इज ऑल, इट हैज़ टू कम फ्रॉम द हार्ट। सुजीत सरकार की ऐसी क्या बात थी कि इरफान खान ने पीकू में काम करने के लिए फ़ौरन हाँ कर दी? आज के दौर में जहाँ फिल्म सिर्फ 1 हफ्ता चलती है और वो भी मुश्किल से, पीकू ने 3.5 हफ्ते ख़त्म कर लिए हैं और इंडिया और ओवरसीज में धूम मचा रही है। जब सुजीत ने आपको ये कहानी सुनाई तो आपने फौरन, आपके दिल ने कहा कि ये सही है? एक्चुअली मैं सुजीत के साथ बहुत उतावला था काम करने के लिए, ईगर था जी, बिकॉज सुजीत मुझे एज एन ह्यूमन बी,
एज ए डायरेक्टर बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है. मेरे लिए बहुत मैटर करता है कि आदमी डायरेक्टर है और फिर आदमी इंसान कैसा है. पता नहीं, क्योंकि उसके साथ टाइम गुजारना होता है आपको, शूटिंग के पहले, शूटिंग के बाद, शूटिंग में. और मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने कई बार कहा भी है, मुझे हमेशा फिल्म जो है ना वो ज़िंदा लगती है, वो एक ज़िंदा चीज़ होती है, बिकॉज उसकी वो क्रिएशन है. और हर फिल्म का अपना एक टेम्परामेंट होता है और वो आपसे एक तरह का उसका रिश्ता बनता है और वो हमेशा अलग होता है, हर फिल्म का अलग होता है. इसलिए मेरे लिए कई बार ना आदमी कैसा है वो मैटर करता है. तो मेरे लिए सुजीत और जूही बोथ दोनों के साथ मेरा उतना ही मन था काम करने का. जब दोनों आए तो मुझे लगा कि मतलब मैं इंतज़ार कर रहा था. उन्होंने बोला था जब हम नेशनल अवार्ड फंक्शन में थे साथ साथ, सुजीत ने कहा था कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं आता हूँ तुम्हारे पास. मैंने कहा प्लीज़ आओ तुम. लेके आया तो मुझे बहुत इंडियरिंग लगा सब्जेक्ट. जब पढ़ना शुरू किया 10 पेज के बाद मैं रुक गया. मैंने कहा कि सुजीत मुझे मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे ये जिस तरह की राइटिंग है मुझे सुनना ज़रूरी है. पहली बार मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत पिक्यूलियर रिदम, नुएंसेस है, रिदम है एक लैंग्वेज का ना. सुना, मुझे बहुत एंडियरिंग लगी. फिर करने का एक्सपीरियंस जो है वो कमाल का था, वो ऐसा एक्सपीरियंस कभी होता नहीं है. अब जैसे रोमांस का जो क्वेश्चन है फिल्म के अंदर जी. वो पेज पर उतना नहीं दिख रहा था. जूही सुजीत के दिमाग में था कि किस तरह का होगा, लेकिन एज एन एक्टर मुझे पता नहीं था कि रोमांस कहाँ जाएगा. मतलब बिल्कुल ऐसे भी हो सकता था कि जहाँ इनका कुछ लेना देना ही नहीं होता, आता ये छोड़ के जाता, बट दोनों में एक दोस्ती सी है, बट रोमांस नहीं होता. सुजीत के और जूही के दिमाग में एक आदमी था जो अंदर से शरीफ है. यू नो, वैसे उसका हो सकता है लहजा इधर उधर बात करने का, जहाँ ज़रूरत पड़े वो कर सकता है, लेकिन अंदर से ही इज़ लुकिंग फॉर हार्मनी, ही इज़ लुकिंग फॉर पीस. बिकॉज घर में इतना ज़्यादा चिल्लपों है, जिस तरह से देखता भी है जब वो जा रहा है कैलकाटा, जब डिसाइड करता है जाने का, वो माँ का और जो बहन है कमरा खोल के देखता है, जिस तरह से वो सो रहे हैं उसमें भी एक अनकूथनेस है. तो ही इज़ लुकिंग फॉर सम रिफाइननेस इन हिज लाइफ. पढ़ा लिखा आदमी है और उसको चाहिए उस तरह का, जहाँ की एक शांत अच्छी पीसफुल जिंदगी वो गुजारे किसी के साथ, यू नो, हारमोनियस. दैट्स व्हाट ही इज लुकिंग. सो व्हेन यू हैव दिस आइडिया देन यू कीप ऑन, यू नो, जिससे गढ़ते रहते हो आप उसको, थोड़ा 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 इधर धक्का देते हो, थोड़ा उधर, जैसे कुम्हार होता है ना, जब लास्ट मोमेंट पे हाथ से थोड़ा थोड़ा ठेल के उसको ठीक करता रहता है. तो ऐसा वो प्रोसेस पूरा चलता रहता है, वो कई बार डबिंग तक भी चलता है. कहानी और स्टार्स के अलावा एक फिल्म को कामयाब बनाने वाले कौन होते हैं? डायरेक्टर सुजीत सरकार बताएंगे कि पिकू की कामयाबी में किस किस लोगों का योगदान है. फिल्म में दो चार चीज़ें बहुत साफ नज़र आती हैं. एक तो तीनों एक्टर्स बहुत फैमिलियराइज्ड हैं एम्बियंस से, अपने कैरेक्टर से, अपनी लाइन्स से, और एक ट्रस्ट है. और सारे परफॉर्मेंसेस जो इतने खूबसूरत है, मैं आपको क्रेडिट देती हूँ सुजीत. आपके बारे में ये नजर आता है फिल्म में कि यू आर अ गॉड ऑफ डिटेल्स. आमतौर पे क्या होता है कि कहानी अच्छी होती है या किरदार अच्छे होते हैं या बहुत अच्छी पैकेजिंग होती है. आपकी फिल्म में जो घर है वो ये दोनों कैरेक्टर्स का घर लगता है. तो आपके या आर्ट डिजाइन टेक्नीशियंस, हाउ डिड यू पिक देम अप? नो, मैंने ऐसे घर दिल्ली में देखा हुआ है. मैं जानता हूँ ऐसे बंगाली घर. दीपिका ने कुछ कम शब्द ही यूज़ किए हैं बंगालीज के, लेकिन तब भी आपको लगता है कि नहीं, ये बंगाली लड़की है, क्योंकि इसका मिलियू जो है, एम्बियंस क्रिएट किया मैंने इनके लिए जी. और जैसे कहा आपने कि इस फिल्म में कोई प्लॉट नहीं है, वो नहीं, इट्स अ फैक्ट. और मैंने इनको बताता था, सो ये सवाल सब में आता था कि वॉट इज़ ये, कैसे जाएगा. सो मेरा एक ही है कि 5 मिनट इन टू द फिल्म अगर आपको कैरेक्टर पसंद आ गया, यू सेल विथ हर और हिम, सेलिंग फिर चलेगा, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता. देन यू स्टार्ट लविंग द कैरेक्टर. 5-10 मिनट के अंदर वो सेटअप हो जाता है. मतलब आई नो द स्क्रिप्ट एंड द कैरेक्टर बाय हार्ट. आई मीन, इट वाज ऑल, आई नो द कॉमास, आई न्यू एवरीथिंग अबाउट, आई मीन अबाउट द सीन्स. क्या करते हैं, हमारा प्रोसेस थोड़ा अलग होता है मेरा जूही का. सो आइडिया जूही से आता है. आई बाउंस इट विद माई प्रोड्यूसर रॉनी, व्हाट डू यू थिंक. ऑब्वियसली ही सेज कि वेयर इज द स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट सेशन नहीं करते हम लोग, हम लोग डिस्कशंस करते हैं. एंड दिस डिस्कशन आर कुड बी स्पिरिचुअल, कुड बी फूड, कुड बी अबाउट कुकिंग, एनीथिंग. एंड वहाँ से आई थिंक उसको ना मटेरियल मिलता रहता है, उसका हेड में जाता रहता है. एंड देन शी कट्स ऑफ, वो 1-1.5 महीने के लिए मेरे से एकदम स्विच ऑफ काट देती है मेरे को एकदम. एंड देन शी स्टार्ट्स राइटिंग. एंड लेट मी टेल यू, द स्क्रिप्ट नो डाउट इज सो वेल रिटन. आई वॉन्ट टू से कि इस फिल्म को एनहेंस करने के लिए अनुपम राय का बहुत बड़ा एक मतलब योगदान है. उनकी म्यूजिक जो है जी, दिल को छू जाने वाला म्यूजिक है. बहुत पुरानी, अच्छे लिरिक्स भी है. हाँ, वही बात, वही सरोद, वही सितार,
सो ऐसी चीज़ें उसने वापस लेके आया है जिस वजह से ये और भी यू नो डीप हो जाता है और मज़ा भी आता है you know, कहीं भी आपको नहीं बैकग्राउंड स्कोर हो रहा है ये समझ में नहीं आता है जी. फ्लो में निकल जाता है बट आई थिंक दीज ऑल द एक्टर्स हैव टेकन दिस वन लेवल ऊपर एंड इसका जो मैच्योरिटी आपको दिख रहा है ऑब्वियसली इन लोगों के कास्टिंग और इन लोगों के जो प्रेजेंस और इन लोगों के जो ये फाइनर डिटेल्स जो आप पकड़ा है आपने आपने पहला है जो आपने इस तरह का हमको पूछा है which is really incredible and that's what we wanted to connect. I think you got it. As a critic, मुझे पूरी फिल्म पसंद आई है, मगर हमारे साथ डायरेक्टर है और वो बताएंगे कि उनके फिल्म के फेवरेट सीन्स कौन से हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपकी फिल्म में तीन लैंग्वेजेस हैं, हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली और तीन जगह है, बनारस, कोलकाता और दिल्ली. दीपिका को हम ऑफिस में देखते हैं, घर में देखते हैं और बहुत कम अकेले देखते हैं. जो रियल दीपिका है वो चार सीन में नजर आती है क्योंकि उसको वो चार सीन में भी कोई सांस नहीं लेने देता है. एक बार गाड़ी में हो जब वो आप डांटता है ना इरफान, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स. व्हाट अ सीन एंड हर एक्सप्रेशन आफ्टर द सीन. दीपिका का जो रिएक्शन मैंने सिनेमा में देखा वो कमाल का रिएक्शन है. मैं उसकी हिमायत कर रहा हूँ बट उसको अपने बाप को कोई बाहर का आदमी डांट रहा है उसको जिस तरह का एम्बेरसमेंट और जिस तरह का पेन है आई थिंक वो सिनेमा में उस तरह के रिएक्शन बहुत कम देखने को मिलते हैं. वो तो हम शूटिंग में देख लिया था. जूही वाज तो क्राइंग ऑन माय राइट. मैंने व्हाई आर यू क्राइंग, होल्ड, लेट मी शूट. मेरे को शूट करने दे, रो मत तुम. अच्छा सबसे डिफिकल्ट सीन कौन सा था शूट करने के लिए? द डिनर सीन, बिकॉज़ उसमें बहुत माज एनिवर्सरी द डिनर सीन है वो सबसे डिफिकल्ट था बिकॉज़ बहुत कुछ हो रहा है, खाना चल रहा है, ये चल रहा है और आपको बात भी कर रहे हैं, बाबा ये कर रहे हैं. मतलब एंड यू नो मैम, इजी बनाने के लिए ही वुड नेवर रिस्ट्रिक्ट आवर मूवमेंट बिकॉज़ वी वर put into the मैदान. So now if I'm at a dinner table और Piku खाना भी बना रही है तो बार बार जाना पड़ेगा ना किचन में to bring the dishes, to lay the table, to fry the fish, to bring the ice cream, whatever it is. He could have said, नहीं, don't go, go once and come back, you know, don't go because again camera, we have to this, that, nothing. He has just let us. मगर वो लगता है कि सचमुच हम आपके घर में खाना खाने आए हैं और खाना कितना अच्छा था. ऐसे थोड़ी देर के लिए हमको भी भूख लगी. उस दिन तो मैं बहुत खुश थी. क्यों? क्योंकि मुझे इतना सारा अच्छा खाना खाने का मौका मिला. अरे वाह. आपके लिए और कोई डिफिकल्ट सीन था जब आपको लगा कि यू आर कम्प्लीटली ड्रेन्ड और आज आपको रोना आ रहा है और आज ये रोना बंद नहीं होगा? देखो कैसे पकड़ा. हुआ जब बोधान नॉक करता है दरवाजे पे पहली बार, मेरे रूम से भाग कर आते हैं वो वाला बाबा के रूम में. करेक्ट. तब और जो आखिरी सीन है फिल्म का, ओह वो बहुत कमाल का है. इन दोनों ने किया भी कमाल है. इस फिल्म ने एक कुछ चीजें और की हैं जिसे ये मैं तजुर्बे में पहले भी हुआ था. इसमें जिस तरह से लोगों ने रिव्यू लिखा है वो ऐसा लगा जैसे उनके अंदर कविता जाग गई हो. बहुत जैसे प्यार में पड़ गए वो फिल्म के किरदार और आपकी स्टोरी और आपकी फिल्म जो है लोग उसको चाहने लगते हैं, लोग उससे मोहब्बत करने लगते हैं. तो वो एक बड़ी कमाल की बात. बहुत बहुत मुबारक और पीकू के ग्रैंड सक्सेस के लिए आप सबको मेरी ओर से और पूरे बिग एफएम परिवार की ओर से कंग्रेचुलेशंस. और भी अच्छी फिल्में बनाइए और बार बार हमारे स्टूडियो में आते रहिए. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग टॉकीज, मशहूर फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सुमाया के साथ.